में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम ना सिर्फ लोगों के जीवन को बल्कि उनके अनुभव को भी जानते हैं, और आज ऐसे ही एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के चेयरमैन अशोक नंदा जी मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है पहले तो कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद सर। शुरुआत उसी सवाल से कि पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं, और अपने बारे में कुछ बताइए सर, क्या आपकी पर्सनैलिटी कहती है, क्या कुछ आपकी शख्सियत कहती है? आई एम 65 ईयर ओल्ड, बोर्न इन स्मॉल विलेज ऑफ मध्य प्रदेश भिंड। माई फादर वॉज इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, एंड वहीं से मैंने सीखा या सोचा कि मैं एजुकेशन में आऊँ। आई स्टार्टेड माई करियर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एंड देन ग्रोन वर्क अराउंड 12-13 ईयर्स एज ए मेडिकल रैप, एरिया मैनेजर एंड रीजनल मैनेजर ऑफ ए वन फार्मास्यूटिकल कंपनी। देन आई स्टार्टेड माई फार्मा इंडस्ट्री इन भोपाल मंडीदीप, and work around 12-13 years in that industry again. Then I started in 2004 a school, and I feel school is a novel profession, and now I'm in the schooling only. Okay, sir, according to your experience, आप कैसे देखते हैं आज के माहौल को, आज के समाज को? आज समाज बहुत aggressive है, बच्चे risk नहीं लेना चाहते, और जब तक जिंदगी में risk नहीं लेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। I started career with 300 rupees. आई टेकन लॉट ऑफ रिस्क, नौकरी छोड़ी, फार्मा में आया, फार्मा से आज स्कूलिंग में आया, एंड वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है भोपाल इज माइन। ओके सर, अगर यहाँ पे हम बात अब कर लें कि जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस अब तक कर रहा है, तो हर किसी की एक स्ट्रगल जर्नी होती है। आपने अब बताया कि आपकी भी एक स्ट्रगल जर्नी है, तो आपकी स्ट्रगल जर्नी कैसी रही है? क्या कुछ रिस्क देखे, क्या कुछ अनुभव मिले, क्या आपके अनुभव में कुछ ऐसा था जहाँ पर आपको लगा हो कि नहीं ये काम करना है नहीं करना है, कन्फ्यूजन था, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिस्क लेके उस डिसीजन को लिया, तो आज वो डिसीजन जो है वो सही साबित हुआ? आपके डिसीजन सही हो या गलत, रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा लाइफ में। यदि आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं मिली और आप खुद ग्रो कर रहे हैं, तो आप बिना रिस्क के बहुत ऊपर नहीं जा सकते। और ऊपर जाने के लिए रिस्क मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। ओके सर, अगर देखिए तो आज के टाइम में ना तो युवा रिस्क लेने तैयार है, ना तो बच्चे रिस्क लेने तैयार है, कोई भी आज के टाइम में रिस्क लेने घबराता है कि मतलब अगर ये डिसीजन ले लिया तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं वो चीजों को लेकर, ठीक है अब इसके लिए नहीं तो फिर यही सही, जॉब हो चाहे पढ़ाई हो चाहे। मेरे हिसाब से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। यदि आपने जिंदगी में कंप्रोमाइज करने लगे तो हर चीज में कंप्रोमाइज कर देते हैं, एंड देन ग्रोथ आपकी रुक जाएगी, एक स्टेज के बाद ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी आपकी। ओके सर, हम यहाँ पे अगर शख्सियत की बात कर रहे हैं तो आपको क्या पसंद है, व्हाट आर योर हॉबीज? मेरी सबसे बड़ी हॉबी है मूविंग, डिफरेंट प्लेसेस पे जाना, लोगों से मिलना और उनसे सीखना कुछ ना कुछ। मैंने वर्ल्ड वाइज जर्नी की है, इंडिया भी पूरा देखा हुआ है, मतलब ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ मैं नहीं गया, और अफ्रीका छोड़ के पूरा कॉन्टिनेंट मैंने देखे हुए हैं। ओके सर, अगर हम बात यहाँ पे आप एक्सपीरियंस की कर लें, तो इतनी जगह आप घूमे, इतनी जगह आप गए, हर प्लेस पे कुछ नया मिलता है सीखने को, और साफ बात है कि हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने के साथ साथ हम एक अनुभव भी लेते हैं, तो क्या कोई ऐसा अनुभव जो आप शेयर करना चाहें? मैंने देखा वर्ल्ड वाइज नर्सरी स्कूल्स और द प्राइम स्कूल्स जो इंडिया में नहीं है, स्कूलिंग की बात करें हम लोग, सबसे ज्यादा तनख्वाह नर्सरीज में दी जाती है टीचर्स को, क्योंकि बच्चे का माइंड 2.5 से 6 साल के बीच में पूरा ग्रो करता है, और यहाँ 2.5 से 6 साल के बच्चों को एजुकेशन नहीं दी जाती है, ना के बराबर दी जाती है। मोहल्ले में स्कूल खुले हुए हैं 500-500 रुपए के, अनट्रेंड टीचर हैं 3-3 हजार रुपए की, वो क्या शिक्षा देगी? तो मैं आज भी लोगों से निवेदन करूंगा कि अच्छे स्कूल्स में अपने नर्सरी में भेजें, बाद में फर्स्ट के बाद किसी भी स्कूल में भेज दो, बच्चा पूरा डेवलप हो चुका है। जब तक आप बच्चे का सही डेवलपमेंट नहीं करेंगे 3 से 6 साल तक, तब तक बच्चा आगे जाके डेवलप नहीं हो पाता। जो माँ बाप बच्चे को देख लेते हैं ढंग से उसी उम्र में 3 से 6 के बीच में, उनके बच्चे IAS IPS और अच्छे निकलते हैं। सो मैं आज भी कहूंगा हमारे यहाँ नर्सरी की सैलरी अच्छी होनी चाहिए, ट्रेन टीचर्स होनी चाहिए, मॉन्टेसरी ट्रेनिंग देती है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इंडिया, वो बिना उसके टीचर्स को नहीं बनना चाहिए टीचर्स। बिल्कुल, यानी कि 1 से 6 साल का टाइम होता है काफी, कह सकते हैं 3 से 6 साल का टाइम बच्चों के लिए स्कूलिंग बहुत जरूरी है उस टाइम पे, बहुत जरूरी है वो, बिकॉज माइंड डेवलपमेंट जरूरी है। ओके सर, अगर हम अभी बात कर ले तो जो बच्चे नॉर्मल स्कूल से पढ़े हैं जैसे कि आप बता रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड क्लास के बाद उनके साथ क्या दिक्कतें शुरू हो जाती हैं? तो मैडम मैं तो फर्स्ट से 6 से पढ़ा ही नहीं, उस जमाने में नर्सरी होती नहीं थी जब मैं पढ़ता था।
कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और ये भी नहीं पता था लोगों को, हमारे पिताजी को भी, हालांकि यही हुआ प्रिंसिपल इन स्कूल, कि 6 साल तक ही माइंड डेवलप्ड होता है. अब जो साइंस साइंटिफिक स्टोरीज आई हैं, जो पैमाने आए हैं, उसमें नर्सरी इज ए मोस्ट क्रिटिकल क्लासेस टू हैंडल इट. सर, जो टीचर्स रहती हैं, जैसे कि अगर हम ट्रेनिंग की बात करें, तो ये ट्रेनिंग वाली टीचर्स कहाँ, इनकी ट्रेनिंग होती है किस तरीके से? मोंटेसरी ट्रेनिंग होती है पूरे वर्ल्ड वाइज, इंडिया में मोंटेसरी ट्रेनिंग के नाम से ही ट्रेनिंग होती है. जैसे बीएड होता है, ऐसे ही बीएड इज फॉर हायर क्लासेस एंड मोंटेसरी फॉर लोअर क्लासेस. सर, अगर इंडिया को देखा जाए और बाहर के स्कूल्स को देखा जाए, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि हमारे बच्चों में प्रेशर बहुत है चीजों को लेकर. 9, 10, 11, 12, 4 साल बच्चे इतना ज्यादा घुस जाते हैं, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर होता है तो बाकी चीजों को छोड़कर वो एक रट्टू तोता जो कहते हैं ना, वो हो जाते हैं, और कई बच्चे इसी में डिप्रेस भी हो जाते हैं. तो ऐसे में जो उनका माइंड रहता है, कहीं ना कहीं स्कूल्स में ये कमी जरूर देखी गई है कि बच्चों को प्रेशर हैंडल करना नहीं सिखाया जाता. नहीं, ऐसा नहीं मैडम, बच्चों को पूरा प्रेशर हैंडल करना स्कूल ही सिखाता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं सिखाते. स्कूल बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है. हमारे यहाँ 9, 10, 11, 12 लोग कोचिंग चले जाते हैं आजकल, मेडिकल की चले गए, नीट की चले गए, आप जेई मेंस की चले गए, इंजीनियरिंग में जाना है, सीए में जाना है, सीए की कोचिंग करने लगे, लॉ की कोचिंग हुई, हर चीज की कोचिंग है. कोचिंग में बच्चा 200-250 बच्चे बैठते हैं एक साथ, मास कम्युनिकेशन होता है उनसे, पर्सनलाइज कुछ है ही नहीं वहाँ. वहाँ बच्चा डिप्रेस्ड होता है, एक बच्चा ज़्यादा पढ़ के आता है घर से, एक कम होता है, तो कम वाला बच्चा वो डिप्रेस होने लगता है, वो पीछे बैठने लगता है. जबकि स्कूलिंग में क्या है, बच्चा 30-35 बच्चे, 40 बच्चे क्लास में है, तो डिप्रेस हो नहीं सकता, जो पीछे बैठा है उसको आगे बैठाना है हमें. सही बात है. और स्कूल ही सिखाता है बच्चे की ओवरऑल रेटिंग, ओवरऑल ग्रोथ. तो मैं तो आज भी कहता हूँ, स्कूलिंग इज फर्स्ट, आप पहले स्कूल करो, कोचिंग बाद में जाओ, चाहे एक साल ड्रॉप लेके कोचिंग जाओ 12वीं के बाद, लेकिन कोचिंग नहीं करनी चाहिए स्कूल के साथ. कोचिंग आई गेस प्रेशर बढ़ाता है बच्चों पर, जहां तक एक कंपटीशन वो अपने आसपास देखते हैं और प्रेशर बढ़ जाता है. सर, इसमें सब्जेक्टिव अगर हम बात कर लें, जैसे कि काउंसलिंग में, हर स्कूल में काउंसलिंग होती है बच्चों की, और इसमें 9, 10, 11, 12 में खासकर काउंसलिंग होती है उनके करियर को लेकर. तो करियर काउंसलिंग के टाइम पर बच्चों को बताया जाता है कि साइंस, मैथ्स और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो साइंस और मैथ्स की तरफ ज्यादा जाते हैं, कॉमर्स की तरफ ज्यादा जाते हैं एज कम्पेयर टू आर्ट्स. आर्ट्स में वो बहुत, ऐसा मैंने बहुत जगह ऐसे सर्वे आया था एक इंडिया का, उसमें बताया गया था कि आर्ट्स की ओर बहुत, मतलब अगर 100% बच्चों में सिर्फ 20% बच्चे ऐसे जो आर्ट्स चूज करते हैं, बाकी बच्चे जो है वो अपने पहले तो ट्राई कर लेते हैं इस फील्ड में, उस फील्ड में, यहाँ वहाँ, उसके बाद फिर जाकर वो है जो उनको लगता है कि यहाँ जॉब ठीक है, तो फिर वो अपने हिसाब से जॉब ढूंढ लेते हैं. मतलब अभी ट्रेंड बदल गया इंडिया का पिछले 3-4 साल में, आर्ट्स में ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, साइंस में कम जा रहे हैं, क्योंकि जितने यूपीएससी से कंपटीशन एग्जामिनेशन है वो साइंस वालों के लिए तो कम है, आर्ट्स वाले बच्चे ज्यादा हैं. आर्ट्स वालों के लाइनें भी खुल गई हैं, जैसे उनको लॉ में जाना है, लॉ इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट सब्जेक्ट नाउअडेज इन स्कूलिंग और आफ्टर स्कूलिंग, तो वो आर्ट्स में आते हैं. कॉमर्स भी बहुत बढ़ गया है, मेरे स्कूल में 5 साल पहले आर्ट्स में बहुत कम बच्चे होते थे, आज हमें दो दो सेक्शन हैं, 2 साइंस के हैं तो 2 आर्ट्स के. तो अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है, पूरा ट्रेंड ही ट्रेंड चेंज हो रहा है. और जहाँ तक काउंसलिंग है, वो कह रहा है पहले जमाने में फादर डिसाइड करता था कि बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लॉ बनेगा, ये क्या. अब बच्चे भी डिसाइड करने लगे हैं बड़े शहरों में, कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग हो गया है, खासतौर से मोबाइल कम्युनिकेशन, कि बच्चा खुद ही कहता है कि मैं ये बनूँ. 7th-8th में बच्चा कहने लगता है कि मुझे ये लेना है, मुझे ये करना है. In my school, I have seen this. Okay. मतलब आजकल के बच्चे जो है 6th-7th से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. जाना है. माइंडसेट कर रहे हैं. अच्छा सर, अगर यहाँ पे आप कोरोना को देख लें, तो कोविड पैंडेमिक के टाइम पर बच्चों की क्लासेस मिस हुई, एक जो ग्रोथ बच्चों की होती है वो मिस हो गई. अब इस कोरोना के पैंडेमिक ने बच्चों के दिमाग में क्या असर डाला और इसकी भरपाई कैसे हो पाएगी अब? मैडम, बच्चे लेजी हो गए नंबर 1. नंबर 2, कंप्यूटर से पढ़ते हैं, मोबाइल से पढ़ते हैं, आंखें खराब हो रही हैं, एंड बल्कि हो रहे हैं. 90% बच्चे मैंने देखे हैं जैसे, उससे बल्कि हो गए हैं. माँ बाप उसको घर से निकलने नहीं देते, कोरोना हो जाएगा, नीचे मत जाना, सड़क पे जा नहीं सकता बच्चा, करेगा क्या, सारा दिन उसको मोबाइल देखना है, बल्कि हो गया, खाना है, अच्छा कोई काम नहीं है, मदर के पास भी काम नहीं है, उसके पास भी काम नहीं है, सारा दिन खाएगा.
तो मोटा हो जाएगा, वो हो रहा है। गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती इसमें, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन तो माँ बाप का। आज स्कूल हमने खोल दिए हैं पूरे फर्स्ट से ट्वेल्थ तक, हमारे यहाँ 50-100 बच्चे भी नहीं आ रहे, माँ बाप ने कंसर्न ही नहीं दिया। तो माँ बाप अभी भी कहना कि डरे हुए कोरोना से, डरे बहुत ज्यादा डरे हुए माँ बाप। वो सोचते मुझे कोरोना हो जाए कोई बात नहीं, मेरे बच्चे को नहीं होना चाहिए, और ये बिल्कुल सत्य है इंडिया में तो कम से कम। सर अगर कोरोना के टाइम की बात करें तो बच्चों का माइंड डेवलपमेंट जो है एक हर एज में थोड़ा थोड़ा होता है, हर क्लास में बच्चा कुछ सीखता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है अनुभव मिलते जाते हैं। अभी 2 साल जो है बिल्कुल घर में ही निकला है, तो कहीं ना कहीं इसका अब जो भरपाई है कह सकते हैं या फिर रिकवरी इसकी जो है वो स्कूल कैसे प्लान कर रहे हैं? देखिए स्कूल तो तभी प्लान करेगा जब कोरोना की बच्चों की वैक्सीन आ जाएगी और बच्चे स्कूल आएंगे, देन वी विल सी कि हमें क्या क्या बच्चों को और देना है एक्स्ट्रा। हमें एक्स्ट्रा क्लासेस देनी पड़ेंगी बहुत से बच्चों को, एक्स्ट्रा काउंसलिंग करनी पड़ेगी, माँ बाप की भी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी 50% अटेंडेंस के साथ स्कूल जो है तो डर तो है ही बाजार में। और काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्कूलिंग नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल बच्चे की काउंसलिंग ज्यादा जरूरी होती जा रही है। सर एक सवाल और है मेरा इसी बीच में कि अगर हम सीबीएसई स्कूल्स को देखें तो एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है कि आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, आपको भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन एक बात यहाँ पे देखिए कि 10th क्लास तक जो है कोर्सेज होते हैं हिंदी के, लेकिन 10th क्लास के बाद एक ऑप्शन हो जाता है कि आपको पीएचई लेना है या फिर हिंदी लेना है, आपके पास सब्जेक्ट होते हैं अपने खुद के कि आपको एडिशनल में क्या चाहिए। तो इस वक्त में भाषाओं का ज्ञान होना बच्चों को कितना जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो 12th के बाद 11th के बाद पीएचई ले लेते हैं, क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी में रही हूँ, मैं भी हिंदी मेरा छूट गया था 10th के बाद। तो कहीं ना कहीं ये है कि हिंदी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग बच्चे जो है वो आजकल हिंदी में बात ना करके सिर्फ इंग्लिश में बात करते, उन्हें आती भी नहीं, उन्हें शब्द पता ही नहीं है कि हिंदी कैसी होती है। बच्चों को हिंदी तो आती है, हिंदी एक सब्जेक्ट है, बट सीबीएसई स्कूल्स अंग्रेजी में बहुत जोर देते हैं। उसका कारण एक है कि आम बच्चा जो है वो अंग्रेजी नहीं बोल पाता घरों में, उनके पेरेंट नहीं बोल रहे होते, दूसरे नहीं होते, तो हम लोग इसलिए जोर देते हैं कि हिंदी तो अपने घर में सीखी जाएगा, समाज में घूम रहा है बाजार में तो हिंदी तो है ही ना सब जगह। लेकिन इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो सब जगह नहीं है, एक्सेप्ट इन हायर फैमिलीज, घरों में नहीं बोली जाती। आज भी मेरे घर में कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, या तो मेरी मदर टंग बोली जाती है पंजाबी या हिंदी बोली जाएगी, तो मदर फादर फादर तो हमारे खैर पीएचडी थे इंग्लिश में ही, लेकिन मदर को जीरो है, पढ़ी लिखी नहीं है आज भी, यहाँ तो आप उनसे पंजाबी बोलोगे या हिंदी बोलोगे, हिंदी तो अपने आप सीख जाएगा बच्चा, तो अंग्रेजी कहाँ सीखेगा स्कूल के अलावा। सर इंग्लिश जो बच्चे नहीं बोल पाते या फिर कहीं ना कहीं डिफिकल्टी होती है स्कूल जाने के बाद, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में अच्छे नहीं हो पाते, ऐसे बच्चों के लिए आपके एडवाइस क्या रहेगी, इनसे इन्हें प्रिपेयर कैसे किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं डर जाते हैं। आज के एक ट्रेंड बन गया है कि जिसे इंग्लिश नहीं आती है काफी अपने आप में रिजर्व महसूस करता है। अब बच्चा मोबाइल आ गया, सब कुछ सीख जाता है, पिक्चर देखने लगता है वो मोबाइल में और कार्टून देख लेता है इंग्लिश के, एंड दे लर्न द इंग्लिश नाउ। एंड मैंने देखा है हिंदी मीडियम के स्कूल भी अंग्रेजी में बच्चे अच्छे जानने लगे, एंड चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट नाउएडेज, वेरी स्मार्ट। तो अभी जो नेक्स्ट जनरेशन अभी आई है ये काफी स्मार्ट है, काफी स्मार्ट है और काफी ग्रोन अप भी है, वेरी 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 गुड इन कंपेरिजन टू अस। हम जो लोग चीजें 12वीं में पढ़े होंगी वो 6th में पढ़े जाता है बच्चा, उतना तो 6th में बच्चा सीख गया। सर अगर यहाँ